सामने बनाया गोलकीपर रामलाल हेम्ब्रम। और बेहतरीन शॉट, शानदार गोल। फर्स्ट नंबर पर शॉट करने के लिए सिजवा टीम से हम देखेंगे कौन सा प्लेयर्स जाएंगे शाइक लेने के लिए। खिलाड़ी नपाई गोल का नाम सीध पारी से एक और अगला शॉट लगी सिजवा टीम। 55 नंबर बुसु हेम्ब्रम। सरसा टीम के जो प्लेयर्स हैं वो डग आउट पर आ चुके हैं, इसलिए सिंगापुर टीम के जो मैनेजर हैं आप भी अपने प्लेयर्स को जल्द से जल्द रेडी करके डग आउट पर लाने का प्रयास करें। सिंगापुर और बहुत ही सुंदर फिनिशिंग, अच्छा शॉट। दोनों टीम्स फर्स्ट बॉल को गोल में कन्वर्ट किए हैं 1-1 की बराबरी पर। दूसरे नंबर पर शॉट लेने के लिए सीधन किसको, 10 नंबर सीध पहाड़ी टीम। और ये देखिए गोलकीपर का जो एटीट्यूड है वो गजब का है रामलाल का, क्या इस सेकेंड बॉल को ये शेप कर पाएंगे। बहुत ही फुर्तीले गोलकीपर हैं रामलाल हेम्ब्रम और एक हुनरमंद ये प्लेयर्स, लेकिन ये शेप बेहतर आया है रामलाल के द्वारा। और इस प्रकार का एक्टिविटी होना चाहिए कीपर में, इस प्रकार का हलचल होना चाहिए, यह बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं ओपोनेंट टीम के जो शॉटर होते हैं उसके ऊपर में, उनके एक्टिविटी को देख करके जो शॉट लेते हैं उसके ऊपर एक जो है प्रभाव यही होता है कि पता नहीं ये मेरा बॉल को सेव कर देंगे कि क्या, थोड़ा सा उनमें संदेह पैदा कर देते हैं। और ऐसे में जो उनका शॉट होने का जो एक जो जोश होता है उसमें कहीं ना कहीं वो खरे नहीं उतर पाते हैं। चलिए अगला शॉट के लिए जल्दी कीजिएगा सिजवा टीम। यहां से मैच को लीड करने का एक अच्छा अवसर, अच्छा ऑप्शन क्रिएट किया रामलाल, लेकिन उसका फायदा क्या उठा पाएंगे यहां पर लच्छू मुर्मू। दूसरे नंबर पर मैच को लीड करने का अच्छा अवसर है, एक एडवांटेज इनको मिल गई है, मैच को 2-1 से लीड करने के लिए। और यहां पर गोलकीपर गोपी भी बहुत ही एक्टिव गोलकीपर है, चर्चित गोलकीपर है गोपी। और ये तो विलंब हो गया,
थोड़ा सा अगर फुर्ती होते वहां पर तो गेंद को रोक सकते थे, अपने ही नजदीक से गेंद लगाई, गेंद पार होकर के वहां पर डाइव लगाई। लच्छू को भी अपने आप में शायद यकीन नहीं हुआ था कि ये मेरा बॉल गोल होगा, उनको अनुमान लग चुका था शायद ये मेरा बॉल शेप हो जाएगी। और शमसुल भाई, शमसुल भाई और जमशेद जी, आप दोनों को पहले एक बार सूचित कर चुके हैं, जितना जल्द हो सके आप मंच पर आने का प्रयास करेंगे। आपका खोज हुआ है जमशेद भाई और शमसुल भाई, आप जल्दी आएंगे मंच पर। और यहां पर शायद गोलकीपर शॉट से पहले शायद अपना जो गोल लाइन है उसे आगे निकल चुके थे, इसलिए वहां पर री किक होगा। नोटे शॉट लहा रहे आया पोजीशन खोन थोड़ा करें लहाय ना उकार रेखा कर ना खोने लहायन करों ते नोटे दोड़ा री किक ना संकेत उन्हें रेफरी की नेम की था चिदाजे उरी बॉल शॉट रहे उन्हें रेखा खोई बाई लहा दड़िया कीपर आर दिया तो बड़ी शानदार गोल। और यहां पर कीपर को चेंज किया जा रहा है, गोपी के जगह पर राजन आते हुए। और शुरू दिन में राजन ने अपने प्रयासों से कहीं ना कहीं टीम को क्वार्टर तक पहुंचाया था, क्योंकि एफसी बरहरवा जैसे प्लेयर्स को हरा करके ट्राई बेकर में आज यहां क्वार्टर के लिए सुनिश्चित किए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें ट्राइबेकर में राजन का बहुत बड़ा योगदान था, जो कि बेहतर सेव करके अपने टीम को क्वार्टर तक पहुंचाए हैं। आज किस प्रकार का रोल अदा करेंगे राजन, किसको अगला शॉट के लेने के लिए जयनाथ टुडू, ये तीसरा बॉल है। और इस बार राजन चकमा खा गए, अच्छा गोल। सिजवा टीम 3-3, सीत पहाड़ी 3-2, 3-2 से आगे चल रहे हैं सिजवा। चौथा बॉल के लिए यहां पर जैक्सन मुर्मू, टीम के सबसे भरोसेमंद और विश्वासी खिलाड़ी इस टीम के। इस बॉल को हर हाल में गोल लगना होगा, अगर इस बॉल को सेव कर लेते हैं तो जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी सीत पहाड़ी के ऊपर में, इसलिए जक्शन को हर हाल में गोल लगना होगा। और एक बहुत ही अनुभवी प्लेयर से जक्शन, और ये तो बेहतरीन गोल हो गया। कुछ समय ऐसा लगा कि शायद गेंद पोस्ट से बाहर निकल जाएगी, लेकिन गोल खंभे में टकरा करके गेंद गोल में कन्वर्ट हुई।
चार में तीन अभी तक सीत पहाड़ी और तीन में तीन सिजवा, ये चौथा बॉल के लिए 14 नंबर बाबूराम। राजन को हर हाल में बॉल सेव करने की जरूरत है मैच में वापसी आने के लिए। अगर चौथे बॉल को सेव कर लेते हैं तो मैच बराबरी पर आ जाएगा। और आराम से सेव कर लिए और यहां से मैच बराबरी हो गया है। चार चार शॉट्स लिया गया है जिसमें तीन तीन गोल करके दोनों टीम बराबरी पर। बनार टीम पुपुन गोटे बॉल किन शॉट की था बनखंडी तभी केपे गोटे गोल की किन बराबरी किया। यह अंतिम बॉल आज भोपन बाबू का शॉट कैसे रहेगा। फर्स्ट दिन तो शॉट लगाए थे, गजब का शॉट था, गतिमान शॉट था। आज भोपन बाबू का शॉट किस प्रकार का हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तगड़ा शॉट और अच्छा गोल। अब यहां पर सिजवा को गोल करना होगा मैच में बने रहने के लिए। हर हाल में गोल चाहिए सिजवा। और अब हमको लगता है रामलाल यहां से शॉट लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, खुद गोलकीपर सिजवा टीम के। लेकिन राजन है सामने। राजन अगर इस बॉल को सेव कर लेते हैं तो मैच को सेमीफाइनल के लिए सुनिश्चित कर लेंगे अपना टीम को। और अगर गोल करते हैं तो मैच बराबरी हो जाएगी। ये देखिए इतना सुंदर उसको चकमा दिए। और यही तो है इस प्रकार का शॉट देखने में कहीं ना कहीं दर्शक भी बहुत ही ज्यादा प्रभावित होते हैं। अच्छा गोल। मैच यहां से कंटिन्यू हो गई है। यहां से सडन डेथ का प्रोसेस लागू होगा। और अगला बॉल के लिए यहां से होपन बाबू प्लेइंग 11 के ये छठवें प्लेयर्स हैं। होपन बाबू 8 नंबर। देखिए अनुमान कितना सटीक, अच्छा सेव। और ये भी होपन बाबू जैसे प्लेयर्स का बॉल रोकना ये कम बड़ी बात नहीं है। और इसे में यहां पर और एक बार अच्छा अवसर मिल गया इस बार ये हमारे सिजवा टीम को। ये मैच जीतने का अवसर है, अगर गोल हो जाती है तो सेमीफाइनल में अपना जगह बना लेंगे। चलिए गोल होना चाहिए, गोल होगा तो सेमीफाइनल में आप अपना जगह बना लेंगे। और यहां से राजन के ऊपर में जिम्मेदारी पूरा टीम का बहुत ज्यादा है।
क्या राजन खड़े उतर पाएंगे बॉल को सेव करने में? यहां से अगर गोल करते हैं तो सिजवा टीम सेमीफाइनल के लिए अपना जगह सुनिश्चित कर लेंगे। आप समझ सकते हैं ये 15,000 रुपया का शॉट है, अगर गोल होगा तो 15,000 सुनिश्चित कर लेंगे सिजवा, जो सेमीफाइनल का अपराज है। और बहुत बड़ा गलती, और ये देखिए राजन का योगदान अपने टीम के ऊपर कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है राजन किसको। योगेश सुडू अपने आप में काफी ज्यादा नाखुश। जिस भरोसे विश्वास के साथ योगेश को भेजा गया था उसमें खड़े नहीं उतर पाए, लेकिन दोनों टीम के कीपर ने लाजवाब प्रदर्शन किया है अपने टीम के लिए, शेप बहुत ही बेहतर। चलिए अभी ये सातवां शॉट लेने के लिए, प्लेइंग 11 के ये सातवें खिलाड़ी, सात नंबर ही गए हैं टिक्कू लकड़ा। सातवां बॉल शॉट लेने के लिए भी सात नंबर जर्सी पहने हुए खिलाड़ी टिक्कू लकड़ा। क्या इस बार टिक्कू के बॉल को सेव कर पाएंगे रमलाल? ये देखिए सुंदर से, और यहां पर कीपर ने तो अपना 100% दे रहे हैं भाई, लेकिन अगर स्ट्राइक लेने वाले खिलाड़ी गोल ना करे इसमें कीपर का कोई दोष नहीं है, कीपर तो अपना जो जलवा है वो तो एकदम बिखेर रहे हैं। लगातार सेव, बारंबार चांस मिल रहा है सिजवा टीम को, अगर इस बार गवा देंगे तो पता नहीं क्या होगा। सदंदर जैसे बॉल में लगातार दो दो बार मौका मिलना ये कम बड़ी बात नहीं है। इस बार सुबान जा रहे हैं 33 नंबर पहने हुए खिलाड़ी, और एक बार अपने टीम को यहां से उभारने का प्रयास करेंगे राजन किस्कू। सुबान जहां तक हमको लगता है लेफ्टी होंगे, और बेहतर फिनिशिंग, और इसी के साथ सार्जम बगान सिजवा की टीम सेमीफाइनल में खेलने के लिए अपने जगह को सुनिश्चित करते हैं।